एंड इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे रदरफोर्ड मॉडल को, थॉमसन मॉडल को और बोहर्स मॉडल को, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे फॉर एन एटम, ठीक है, क्योंकि इन तीनों ने हमें एक एटम का मॉडल दिया था और इन तीनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो उन सबको हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 54 पे, क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखते हैं क्वेश्चन, कंपैरिजन देखते हैं। कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। थॉमसन ने भी एक एटम का मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने भी दिया और बोहर ने भी दिया। सबसे पहले थॉमसन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। थॉमसन ने एटम के मॉडल के बारे में क्या कहा, उसने कहा जो एक एटम होता है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है और उस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। ये कहा किसने, थॉमसन ने। उसने ये भी कहा कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। कहने का मतलब ये है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया है। ये थी थॉमसन की फीचर्स रिगार्डिंग एटम को लेके, एटम मॉडल को लेके। बात करते हैं अब रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा एटम जो होता है उसके सेंटर के अंदर, एटम के सेंटर के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने कहा एटम के अंदर, एटम के सेंटर के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और पूरे एटम का जो मास होता है वो उस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिवली चार्ज मैंने आपको प्रोटॉन्स कहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और पूरे एटम का मास उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड कर रहा होता है। ये कहा किसने, रदरफोर्ड ने कहा हमको। रदरफोर्ड ने एक बात और कही कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर में रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसके रिवॉल्व करता रहता है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। और हाँ, एक बात, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर तो वो अंडरगो जाएगा किसके, एक्सेलरेशन के, मतलब वो अपनी चाल को बढ़ाएगा, उसकी गति में वृद्धि होगी और वो एनर्जी को रेडिएट भी करेगा। तो एक तरह से वाइल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी। ये किसने कहा है, ये रदरफोर्ड ने कहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अब हम बोहर की। बोहर का जो मॉडल था वो फाइनल मॉडल था किसका, एटम को लेकर, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक चीज हमें एक्सप्लेन नहीं की। वो ये तो कह रहा है कि एटम एक स्टेबल है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा उसकी स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, जिसकी वजह से सबने कहा भाई अगर ऐसा होगा तो एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन हम तो सुनते आ रहे हैं कि एटम तो स्टेबल होता है, तो ये पॉइंट आप हमें बताइए क्यों। तो बस वो इसी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कौन, रदरफोर्ड, ठीक है। बात करते हैं अब बोहर की। बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। लेकिन बोहर ने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में तो वो क्या करेंगे, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। यहां पर बोहर के केस में बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस दे वुड नॉट रेडिएट एनर्जी। बस क्या था ये, उसने बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो रदरफोर्ड कह रहा था कि रेडिएट करेंगे एनर्जी, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स दे आर मूविंग बट दे वुड नॉट रेडिएट एनर्जी। बस यही था हमारा एटम का मॉडल, ठीक है। सो और बोहर ने हमें ये भी कहा, उसने ये भी बताया कि जो ऑर्बिट्स हैं उनको हम शेल्स कहते हैं और उनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स।
और उनको हमने एक सिग्निफिकेंट लेटर से डिनोट किया हुआ है, केशियल, एलशियल, एमशियल, एनशियल, या फिर नंबर से डिनोट कर दीजिए जिनको हम ऑर्बिट नंबर कहते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंपेरिजन बताया है बिटवीन द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब किस तरह से नोटबुक में लिखना है वो आप देखिए, एंड हाँ अभी आपको बोर्ड पे मैं दिखाऊंगी थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, इसको देखिएगा कि थॉमसन ने कैसे हमें मॉडल दिया था एटम का, या कौन सा मॉडल दिया था एटम का। फिर मैं अब आपको दिखाऊंगी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की, रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया था हमें एटम के रिगार्डिंग, एंड द लास्ट वन बोहर ने हमें कौन सा मॉडल दिया था एटम का। तो अभी आपको बोर्ड पे तीनों के तीनों मॉडल्स दिख जाएंगे, ठीक है, एंड किस तरह से आपको लिखना है अपनी नोटबुक में वो आप देखिए। थॉमसन फर्स्ट पॉइंट, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑल ओवर इन द स्फीयर, बिल्कुल सही, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। रदरफोर्ड, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, ऑल मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। बोहर, पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी, द ऑर्बिट्स वर टर्म्ड एज एनर्जी शेल्स लेबल्ड एज के एल एम एन और नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4, ठीक है। आई होप आपको ये जो कंपेरिजन है रिगार्डिंग द मॉडल ऑफ एटम गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट वो क्लियर हो गया है, एंड आई डोंट थिंक कि कोई डाउट भी होगा। सो इट्स टाइम टू से यू ऑल गुड बाय।